हेलो भाइयों। तो भाइयों, आज हम बताने वाले हैं कि आप अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को किस तरह पटा सकते हैं। तो अगर आपके पड़ोस में कोई लड़की रहती है जिसको आप पटाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आपको डर है कि अगर मैं कोई बात कहूँगा, अगर कोई स्टेप लूँगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, कहीं वो अपने मम्मी को ना बता दे या घर पर आके आपके मम्मी पापा को ना बता दे, तो अगर आपको ये डर है तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊँगा, कुछ चीज़ें बताऊँगा जिससे कि आप आसानी से उस लड़की को पटा पाओगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। भाइयों एक बात कहूं, अगर आपके पड़ोस में वो लड़की रहती है ना, तो उसको पटाना बेहद आसान है, क्योंकि भाई आप अगर देखो तो कम से कम नहीं तो 7 से 8 घंटे वो आपके नज़रों के सामने रहेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब है तो पास में ही ना। अब आपको जरिया देखना है कि आप कितनी अच्छी तरह, कितनी ज़्यादा देर तक उससे मिल सकते हैं। तो भाइयों एक चीज़ याद रखो कि लड़की को पटाने से पहले उसके घर वालों को पटाओ, खासकर अगर वो आपके पड़ोस में रहती है तो। अब कुछ लोगों को ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। देखो सबसे बड़ा डर क्या होता है, यही ना कि अगर आप कुछ कहोगे तो या तो अपने घर वालों को बता देगी या आपके घर वालों को। लेकिन अगर आप उसके घर वालों को ही पटा लोगे, उसके घर वालों को ही अगर आप इंप्रेस कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वो कहेगी किससे, और कहेगी भी तो क्या कहेगी, और वो आपके घर आपके कुछ कहेगी भी तो यार आपके घर वालों को कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि उसके घर वालों को सब कुछ पता है ना। तो एक तो आपका जो ये डर है वो दूर हो गया कि वो किसी से कह देगी तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो ये सब छोड़ो, ठीक है। अब आपको उसके घर वालों को कैसे पटाना है। अब भाई, अब लड़की पटाने वाला सेम कॉन्सेप्ट तो वहाँ अप्लाई करोगे नहीं, यहाँ आपको करना क्या है। अगर आप ध्यान दो तो मम्मियों को, आंटियों को, इनमें क्या बातें चलती हैं कि फलाने का लड़का ना पढ़ने बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट आया बहुत अच्छा आया, तेरा नहीं आया पर वो शर्मा जी के लड़के का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ये वो। तो भाई वो शर्मा जी के लड़के का क्या, किस वजह से इंप्रेस हुए, क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे आए। और एक और बात, अगर आप देखो, अगर कोई लड़की होती है तो कहते हैं कि वो है ना, उसकी लड़की बहुत ज़्यादा काम करती है, पूरा घर का काम करती है और तुम तो कुछ भी नहीं करती। तो ये दूसरी चीज़ है, यानी कि पढ़ाई और ये घर का काम और ये जो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर देती हैं घर वालों को। तो अब आपको करना यही है। देखो अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये दिखावा करें कि आप अच्छा पढ़ते हैं, आप अच्छा मतलब घर वर का काम करते हैं, हेल्प करवाते हैं, यहाँ आप सच में ये अप्लाई करिए यार, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, पढ़िए, आप पढ़ाकू थोड़ा सा आपको बनना पड़ेगा। और ये आप दिखावा नहीं कर सकते, कब तक दिखावा करोगे। अरे हो सकता है आप उसके सामने दिखावा कर दो कि हाँ बहुत पढ़ाकू लड़के हो, उसकी मम्मी के सामने लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे हो पढ़ाकू, लेकिन आपकी मम्मी तो उसको जाके राज बता ही देंगी, वो तो जाके कहेंगी ये निकम्मा है ना, कुछ भी पढ़ता लिखता नहीं और इस बार भी फेल हो गया। तो भाई ये चीज़ें ना आप नहीं छुपा सकते, यहाँ पर आपको जो है वो आगे रखना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए पढ़ाई में और थोड़ा सा घर वर का काम करिए, अपने घर वालों को इम्प्रेस करके रखिए, ताकि वो जो क्वालिटीज़ है वो जाके उसके मम्मी पापा को, उसकी मम्मी को खासकर बता पाएँ, क्योंकि यार जो आंटियाँ होती हैं ना, इनको चुगली करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो अगर वो जाकर वहाँ पर बताएंगी तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारा फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो अब एक अगली बात, अब सारा कुछ अब अपने घर वालों के सामने तो छोड़ नहीं दोगे, आपको भी कुछ करना होगा। अब आपको करना क्या है, किसी बहाने से उसके घर में आना जाना करना होगा। अब क्योंकि आप उसके घर वालों से फ्रेंडशिप पहले करोगे तो आपको इतना डर नहीं रखना चाहिए, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर वालों को दिक्कत तभी होती है जब उनकी लड़की से कोई बात करता है। अगर उनसे ही आप कुछ जान पहचान करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको करना क्या होगा, उनके घर आने जाने के लिए क्या कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो कि उनका कोई छोटा बेटा हो, यानी कि जिसको आप पटाना चाहते हो उसका कोई छोटा भाई हो, पढ़ाई के बहाने आप उसको ट्यूशन देने के बहाने रोज आना जाना कर सकते हो, या जो लड़की है उसके साथ ग्रुप स्टडीज़ एक दो किसी और को बुला लो तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर तुम तो नहीं पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई के बहाने उसके पास जाओ, या फिर कोई भी ऐसा काम, या फिर आप गिटार क्लासेस के लिए, या कुछ भी अगर आपको सिखाना है या सीखना है, इस बहाने से आप रोज आना जाना कर सकते हो। पर एक चीज़ याद रखना कि जाते ही उस लड़की के सामने ज़्यादा चेप मत हो जाना, उस लड़की के साथ ही अगर आप ज़्यादा घुल मिल जाओगे तो उनके घर वालों को शक हो जाएगा। और अगर आप सोचते हो कि आप बहुत स्मार्ट हो, घर वाले सब ऐसे ही हैं, मम्मी पापा अंकल आंटी सब ऐसे हैं, उनके पास दिमाग नहीं है, तो भाई बहुत ही पागल हो तुम। और पागल तो नहीं कहूँगा, कुछ और ही हो, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि भाई वो हमारे एज से गुजर चुके हैं। तो अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो तो भाई वो सुपर स्मार्ट हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अपने आप को चंट मत समझो, ठीक है। आप सिंपल वे में इसको रखो, जाओ और उसकी मम्मी की थोड़ी हेल्प करवाओ, कुछ भी, जैसे मार्केट से कोई सामान लाना हो, कुछ भी अगर ऐसी कोई हेल्प करवानी हो, या फिर उनके घर का ही कोई छोटा मोटा काम हो, कुछ भी छोटा से छोटा कुछ भी काम हो उसको आप हेल्प करवाइए, जाके उसकी मम्मी से बात करिए। देखिए उसकी मम्मी से आप जितना ज़्यादा खुलेंगे ना,
उतना ज़्यादा जान पहचान अच्छी होती चली जाएगी और उतना ही आगे का जो काम होगा ना वो आसान हो जाएगा। तो जल्दबाजी मत करना, जाके उसकी मम्मी से थोड़ा बातें करिए, कुछ भी। देखो आंटियों से ना बातें करना बहुत आसान है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ ये सब बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर, चुगली उगली ये सब। तो भाई आराम से तुम बातें कर लोगे, उनके परिवार के बारे में बात करिए और उनके बारे में बात करिए, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिए कि आप जाके ना इनडायरेक्ट वे में आपको बताना है कि हाँ आप एक पढ़ाकू बच्चे हो, आपको कहीं ना इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली मत बताना, इनडायरेक्ट वे में आपको दिखाना है कि हाँ आप एक बहुत ही अच्छे बहुत ही डिसेंट लड़के हो। और ना सिर्फ बताना है, आपको सच में बनना भी है, ठीक है, क्योंकि आप ये ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकते। तो एक डिसेंट एक बहुत ही अच्छी इमेज अगर आप उनके सामने प्रेजेंट करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा खेल। तो भाइयों ये तो हो गई कुछ मेन चीज़ें जो कि आपको करनी है। अब उसके अलावा आपको एडिशनल चीज़ें क्या क्या करनी है वो भी बता देता हूँ। देखो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप 6 से 8 घंटे वो आपके सामने ही रहती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है उसे इंप्रेस करने का। अब आप जाके सीधे तो उससे बात करने वाले हो नहीं, कि कोई भी जाके बात सीधे तो नहीं करता और ना ही आप कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। पर आप स्टार्टिंग के दिनों में क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस पे या कहें ड्रेस सेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर होता है ना कि हमें मम्मी ने कहा कि जाके वहाँ से धनिया ले आ या फिर ये मिर्ची ले आ, तो हम ऐसे ही हाफ कच्छे में पहन के निकल लेते हैं। भाई ये मत करना, आपको ड्रेस सेंस से बहुत ढंग से ध्यान देना होगा। मतलब ये सब तो घर पे ही पहनो जो आप उल्टा सुलटा पहनते हो, भाई बाहर जाओ तो एक अच्छा ड्रेस पहन के जाओ, मतलब उसके कब क्या पता भाई वो कब आपको देख ले, कहाँ मिल जाए, किस मोड़ पे मिल जाए। तो जब जब आपको देखे आपको एक अच्छे गेटअप में रहना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी उसे मिलने जाओ, उसके घर में जाओ, उससे तो आप क्या मिलोगे, उसके घर में जाओ या कुछ भी, तो आप डीओ जरूर मार के जाओ। भाई ये तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ड्रेस सेंस और ये जो स्मेल वगैरह होती है इनको आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको मेन पॉइंट में बताया कि आपको जाना है, उनके घर वालों से बात करनी है, उसकी मम्मी से बात करनी है, तो भाई अब इतने फ्री तो वो लोग हैं नहीं कि तुमसे बात करेंगे, तुमसे पंचायत करेंगे, कुछ टाइम तो आपको मिलेगा क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम करने जरूर जाएंगे बीच बीच में। तो जब भी जाएं तो आपके पास मौका मिल जाएगा। अब क्योंकि आप उनके थ्रू जा रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, उनके उनसे जो भी आपका बातचीत है एक अच्छा इंप्रेशन है, तो यहाँ पर उनको ये दिक्कत नहीं होगी कि आप उनके लड़की से बात कर रहे हो। तो जब भी आपको बीच बीच में मौका मिले तो जाके उसकी उनकी लड़की से, आपका जो मेन गोल है उसको याद रखना, उसको मत भूलना। तो बात करो धीरे धीरे, ठीक है, कुछ दिन मतलब हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, और इसको ना आप खींचो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि भाई बहुत बार लड़के क्या कहते करते हैं कि प्रपोज मार देते हैं सीधे 2 हफ्ते के अंदर अंदर। भाई 2 हफ्ते तक तो इसका कोई चक्कर ही नहीं है, आराम से फ्रेंडशिप अच्छी बनाकर रखो। आप 2 हफ्ते के बाद कर क्या सकते हो कि उसका नंबर ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर, और पहले ही मत लेना। देखो पहले जान पहचान करो, उसके बाद ही व्हाट्सएप नंबर लेना। घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी यार, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनको पहले से ही पटा चुके हो, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे आपको जो भी बात करनी है वो करो, अगर इसके लिए आपको टिप्स चाहिए तो मैं एक वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, तो उसको आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपको करना क्या है कि घर वालों के साथ मिलकर ये जंग जीतनी है। अगर आप उनसे छुप के सब कुछ करना चाहोगे तो भाई पकड़े जाओगे, और पकड़े जाओगे तो बहुत तगड़ी सुताई हो जाएगी। तो सबको साथ लेकर चलो, सबको पटाकर चलो, उसके लड़की को भी, उनके घर वालों को भी, तो हर तरफ से अगर सबको लेकर चलोगे ना तो भाई पक्का जीत जाओगे। तो भाई ये सब चीज़ें आप अपनाओ, आप जरूर देखोगे कि वो लड़की आपके थोड़ा थोड़ा करीब आना शुरू हो जाएगी और आपका काम आसान होता चला जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आई हो इस पूरे वीडियो को देखने में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए, और अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तब आपको कोई दिक्कत फील होती है, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, मैं बताने के लिए 24 घंटे राजी हूँ, ओके। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर हुई होगी, और अगर आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलना वीडियो को, प्लीज लाइक कर देना। और अगर आप चाहते हो कि किसी और की भी हेल्प हो तो प्लीज शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, अब कब करोगे, अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद।